दोस्तों मैं इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ नेटवर्क। सऊदी अरेबिया में असीर रीजन में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से 66 किलो जो है चरस बरामद की गई है। 6 लोगों में अफ्रीकन नेशनलिटी के लोग भी हैं, सऊदी भी हैं और पाकिस्तानी नेशनलिटी के लोग भी हैं। इन सबको गिरफ्तार करके सऊदी प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। दोस्तों सऊदी अरेबिया के ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सूबे के असिस्टेंट मिनिस्टर अहमद अल हसन ने ये बताया है कि हम अनकरीब जो है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट जो है सूबे में 23,000 सऊदी लोगों को भर्ती करेंगे और ये 28 मुख्तलिफ प्रोफेशन में होंगे। उन्होंने बताया इन 23,000 लोगों में से 10,000 जो है लार्ज ट्रांसपोर्ट सेक्शन में 3,000 जो है पैसेंजर सेक्शन में और बाकी 10,000 एयर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में हम भर्ती करने जा रहे हैं। वो अल कसीम रीजन में यूथ एम्पावरमेंट सेशन से खिताब कर रहे थे। दोस्तों इंडियन लोगों के लिए खुशखबरी आई है यूएई से, पहले आप वीडियो देखिए। Emirates has launched a pre-approved visa on arrival facility for Indian passport holders who have booked their travel with the airline. Fulfilled by the Dubai Visa Processing Center and issued as a 14. तो बता दें कि यूएई ने इंडियन लोगों को वीजा ऑन अराइवल दिया है कि वो वीजा आने पर ही उनको एयरपोर्ट आने पे ही वीजा दे दिया जाएगा। दोस्तों इंडियन नेवी ने एक बार फिर से कमाल किया है, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनाया है। पहले आप वीडियो देखिए। तो इस वीडियो के मुताबिक बता दें कि इंडियन नेवी को इत्तला मिली कि जो है कुछ सोमालियाई डाकुओं ने एक बोट को, ईरानी बोट को अगवा कर लिया, तो उस पर उसने तुरंत एक्शन लेते हुए INS सारदा नाम के अपने शिप को उसके पीछे लगाया, सर्विलांस पे लगाया और फिर कार्रवाई करके इंडियन नेवी के कमांडो ने कार्रवाई करके बोट को अपने कब्जे में कर लिया और 7 सोमालियाई डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। और उस बोट पर जो है 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी लोगों को बंधक बना रखा था इन सोमालिया लोगों ने, उन सब को भी रिहा करा लिया गया। तो इंडियन नेवी सोमाली डाकुओं के खिलाफ काफ़ी अच्छी कार्रवाई कर रही, जिसके पूरी दुनिया में पजराई हासिल हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।